हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी। दिस इज अभिषेक उपाध्याय। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही शानदार सेशन में, और वो है द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में डिस्कशन के लिए। तो दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं आपको इम्पोर्टेंट करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करता हूँ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का आप लोगों के लिए कलेक्शन लेकर के आया हूँ। इम्पोर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करने वाले हैं जो हमारे न्यूज़पेपर की आज की हेडलाइन बने रहे। चलिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले एक आपके पास हेडलाइन आई कि व्हाई डिड पाकिस्तान कैरी आउट एयर स्ट्राइक इन अफगानिस्तान। और आपको मैं एक चीज बता दूं प्यारे दोस्तों, कि जब भी डू डज या डिड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डू लिखा जाएगा, डज लिखा जाएगा या डिड लिखा जाएगा, तो इसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। व्हाई डिड पाकिस्तान, पाकिस्तान सब्जेक्ट है और यहां पर लिखा है कैरी आउट एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है दोस्तों, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब एक तो होता है किसी भी घटना को अंजाम देना, किसी भी घटना को अंजाम देना, या फिर एक और इसका सेंस होता है टू एग्जीक्यूट। कोई चीज, आपने नियम था, कोई कानून था, कोई प्लान था और आपने उसको एग्जीक्यूट किया, तो कैरी आउट हो गया। हाँ, एक शब्द याद रखिएगा, कैरी ऑन, और कैरी ऑन का मतलब होता है कॉन्टिन्यू टू डू समथिंग, कॉन्टिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज को लगातार करते रहना, ये होता है कैरी ऑन। अब कह रहा है टू डू समथिंग दैट यू हैव सेड, यानी वो काम करना जो आपने कहा था, यानी कि यू विल डू, यानी आपने जो कहा था कि हम ये करके दिखाएंगे और आपने वो किया, ये होता है दोस्तों क्या, कैरी आउट। अब एक बहुत ही बढ़िया वर्ड आ रहा है एयर स्ट्राइक, और एयर स्ट्राइक का मतलब सैन्य हवाई हमला होता है। एन अटैक, एक अटैक मेड बाई एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट के द्वारा मेड किया जाता है उसको दोस्तों कहते हैं, उसको कहते हैं एयर स्ट्राइक। अगला जो बहुत खूबसूरत वर्ड आ रहा है हमारे पास में, दूसरी हेडलाइन आई कि अरब लीग लॉर्ड्स इंडियाज पैलेस्टीन पॉलिसी। अब यहां पर लॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, यानी कोई ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति ने किया और आपको लग रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य सही है, जरूरी है और ऐसा किया जाना चाहिए था, अब आपने उसको लॉर्ड किया। लॉर्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, टू प्रेज समबडी ऑब्लिक समथिंग, किसी भी व्यक्ति की, किसी चीज की प्रशंसा करना दोस्तों क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं लॉर्ड। अगला वर्ड हमारे पास में है तीसरा, और वो है कि यूएस यूज एप्पल ओवर मोनोपोली। आपको बताऊं दोस्तों, हम जिसके ऊपर भी, देखो सी मतलब होता है किसी ऊपर मुकदमा दायर कर देना, टू मेक अ क्लेम, एक क्लेम करना अगेंस्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ, और एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के खिलाफ, इन कोर्ट, कोर्ट में, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, इसी को बोलते हैं दोस्तों सीव। और सीव जिसके ऊपर भी आप केस कर रहे हैं सो के बाद में, यहां पर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं, जिस चीज को लेके करेंगे ओवर होगा। मोनोपोली इन्फ्लुएंस, और मोनोपोली का मतलब प्यारे दोस्तों होता एकाधिकार, क्या होता भैया, एकाधिकार होता है, द कंप्लीट कंट्रोल या पोजीशन ऑफ समथिंग, जब हम किसी चीज पर कंप्लीट कंट्रोल कर लेते हैं, कंप्लीट पोजीशन बना लेते हैं प्यारे दोस्तों, इसी को कहते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, एकाधिकार होता है। अगला देखिए दोस्तों, फोर नंबर पे इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक का मतलब यहां पर इंडिया अलायंस से है। कह रहा है कि बैक्स केजरीवाल सेज बीजेपी अफ्रेड ऑफ इलेक्शंस। आपको बताऊं दोस्तों, चाहे बैक लिखा हो और चाहे बैकअप लिखा हो, बैकअप लिखा हो, और इसका मतलब होता है किसी का समर्थन करना, टू सपोर्ट एंड एग्री विद समबडी, यानी किसी व्यक्ति का समर्थन करना, किसी के साथ में एग्री करना। हाँ, आप कहोगे सर इसका हमारा अपोजिट क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा बैक आउट, और बैक आउट का मतलब होता है टू विदड्रॉ योर सपोर्ट। क्या होता है भैया, टू विदड्रॉ योर सपोर्ट, यानी अपने सपोर्ट को वापस ले लेना, यानी किसी का आपने समर्थन किया था और आपने समर्थन वापस ले लिया, तो आपने क्या कर दिया, बैक आउट कर दिया। बैकअप मतलब समर्थन करना, बैक करना समर्थन करना, बैक आउट मतलब समर्थन को वापस ले लेना। और यहां पर देखिए दोस्तों, अफ्रेड के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है, डरा होना, अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है और अफ्रेड ऑफ डूइंग समथिंग होता है। इन्होंने कहा बीजेपी जो डरी हुई है इलेक्शन से। आगे देखिए, पांचवें नंबर पर लिखा है द यूएस, यूएस अर्जेस इमीडिएट ट्रूस एट यूएन एस गाजा वार ग्राइंड ऑन। कितने बढ़िया बढ़िया शब्द आ रहे हैं दोस्तों। यहां पर एक शब्द आ रहा है अर्ज, अर्ज मतलब होता है याचना करना या जोर देकर के किसी चीज को कहना या किसी चीज के लिए मनाना,
यानी ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी, यानी किसी व्यक्ति को मनाने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना दोस्तों, इसी को कहते हैं क्या, अर्ज करना। एक वर्ड आता है ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है दोस्तों युद्ध विराम की जो संधि होती है उसको ट्रूस कहा जाता है। एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज, यानी दो शत्रुओं के बीच में एग्रीमेंट होता है। टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि लड़ना बंद कर देना है। फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए दोस्तों, इसी को बोलते हैं ट्रूस। इसके अलावा एक शब्द आता है ग्रेंड ऑन, ग्रेंड ऑन का मतलब तो फ्रेजल वर्ब है, लगातार जारी रहना। अगर कुछ लगातार जारी रहती है तो कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कुछ लंबे समय तक जारी रहती है तो दोस्तों इसको कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रिंड ऑन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए, पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच।